अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ना एफएक्यू जो है, 5 स्टार रेटिंग देना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसके बाद आंसर। क्या सीए सीएस सीडब्ल्यू एडवोकेट आपस में पार्टनरशिप फर्म बना सकता है? पार्टनरशिप फर्म, चलो आंसर पढ़ो पहले। पार्टनर बन सकता है लेकिन साइन करने के लिए नहीं, बाकी चीजों में पार्टनर बन जाए, आपस में बैठ जाए, ऑफिस का खर्चा शेयर कर ले, ये सब कर ले, लेकिन साइन कैसे करेगा? अरे साइन तो सब अपना अपना ही करेगा। जैसे अगर सीएस सीए का पार्टनर है तो भी अकाउंट्स पे थोड़ी साइन कर पाएगा। अच्छा कोई सीएस सीएस का पार्टनर है तो भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट पर थोड़ी साइन कर पाएगा। तो ये लोग आपस में पार्टनरशिप बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, ओनली फॉर नॉन अटेस्टेशन। अटेस्टेशन मतलब सिग्नेचर, अटेस्टेशन मतलब सिग्नेचर। नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज में पार्टनर हो सकते हैं, अटेस्टेशन तो सबका एक्सक्लूसिव है ना। अरे सेक्रेटरियल ऑडिट पे कौन साइन करेगा? सीएस। स्टैचुरी ऑडिट पे कौन साइन करेगा? सीए। कॉस्ट ऑडिट पे कौन साइन करेगा? सीएमए, जानते हो ना। अच्छा हाई कोर्ट में कौन घुसेगा? एडवोकेट। तो जो नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज हैं उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं ये लोग, लेकिन साइनिंग वाइनिंग में उनका पार्टनरशिप हो नहीं सकता। अगला बताओ, सीएस का जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म में मतलब एक सीएस का पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो याद रखना मिनिमम 2, मिनिमम 2 तो होगा ही ना, और मैक्सिमम नो लिमिट। कुछ क्रांतिकारी आंसर दूंगा तो मजा आएगा ना, चलो बताऊंगा क्यों। लिख लिया पहले आंसर? चलो मैं बता रहा हूं, मिनिमम 2 पहले समझ में आया? अरे पार्टनरशिप हम अकेले बना लेगा वो, कि 2 चाहिए कम से कम। अच्छा मैक्सिमम में नो लिमिट क्यों बोला मैंने? सुनो यहां पे एक सेक्शन आ रहा 464, तुम लोग को मैंने बचपन में पढ़ा दिया है, याद है चैप्टर नंबर 1 कंपनी लॉ इलीगल एसोसिएशन, सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो 464 बता रहा हूं, 464 में आप मैक्सिमम, अभी जो लिमिट चल रहा है वो 50 का चल रहा ना, अरे 100 तक तो कहां तक है, मतलब वो तो कंपनी लॉ के अंदर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 100 तक प्रेस्क्राइब कर सकता है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रेस्क्राइब किया हुआ? 50। तो 50 तक आप अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन 50 के बाद आपको किसी न किसी लॉ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, यही कहानी था ना। अच्छा वहां पर क्या बोला था, 50 ही पार्टनर हो सकता है या 50 तक अनरजिस्टर्ड भी चलेगा, लेकिन 50 से ऊपर होते ही आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसी न किसी लॉ में, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो इलीगल एसोसिएशन बन जाएंगे। तो अब बाकी तुम भूल गए, सेक्शन 464 प्रोफेशनल्स के फॉर्म पे नहीं लगता है, भूल गए ये लोग। याद होगा सेक्शन 464 आपका एचयूएफ पे नहीं लगता है और प्रोफेशनल्स पे नहीं लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के फॉर्म हमेशा अपने इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड होते हैं। सीएस का फॉर्म हमेशा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के अंदर आईसीएसआई से रजिस्टर्ड होगा ना, तो जब तुम रजिस्टर्ड हो तो कोई लिमिट है क्या? फिर देखो 464 में क्या बोलता है, अनरजिस्टर्ड का वो लिमिट बताता है, रजिस्टर्ड का कोई लिमिट है क्या? तो फिर, और जो प्रोफेशनल्स के फॉर्म होते हैं इट इज ऑलवेज रजिस्टर्ड, इट इज ऑलवेज रजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड तक 50 है, बाकी अगर रजिस्टर्ड है तो अनलिमिटेड है। आप चाहो 400 पार्टनर रखो, आप चाहो 500 पार्टनर रखो, चाहे आप 8000 पार्टनर रखो, जो रखना है रख लो, बशर्ते आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑन सीएस का फॉर्म हमेशा रजिस्टर्ड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है ना, किसके साथ? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ। याद रहेगा ना, याद रहेगा तो आंसर यही था, समझ में आ गया तुम्हें आंसर? तुम्हें पूरा 464 लिख के और लास्ट में एक लाइन लिख देना कि 464 चूंकि प्रोफेशनल्स के उस पर लगता ही नहीं है, और ऐसे भी सीएस का फॉर्म हमेशा रजिस्टर्ड ही होगा अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, तो देर इज नो मैक्सिमम लिमिट, पर मिनिमम लिमिट है। मिनिमम कितना एग्जैक्टली? 2, याद रहेगा। चलो आगे चलें। अच्छा एक बात, क्या एलएलपी बन सकता है 3-4 के बीच में एकदम खुलेआम? यस, एलएलपी का कॉन्सेप्ट ही तो इन्हीं के लिए लाया है कि नहीं? अच्छा अगला, अच्छा एक बात बताओ, एलएलपी में कितने पार्टनर्स होंगे कम से कम? फिर वही मिनिमम 2, मैक्सिमम
नो रिस्ट्रिक्शन। अरे एलएलपी हो जाए पार्टनरशिप फॉर्म हो जाए बात तो बराबर ही ना, क्योंकि एलएलपी भी तो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म ही कहा जाता है, विद लिमिटेड लाइबिलिटी, विद लिमिटेड लाइबिलिटी। कर ली हो ना तुम लोग एलएलपी? चलो अच्छा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चों ने कुछ ऑनलाइन क्लासेस अभी तक नहीं की है। देखो भाई, ये आपका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बनेगा बाद में। क्यों पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बनेगा? आप करोगे नहीं, वो धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, बैकलॉग। आज जब एग्जाम के टाइम में तुम्हें बैकलॉग करना पड़ेगा तो तुम अपने पे तो कोई लेता नहीं है, सीधा चार गाली नितेश कुमार जायसवाल को, चार गाली आईसीएसआई को, अब बस फेल का रिजल्ट लेके घूम रहे हैं दूसरे कोचिंग में। इससे अच्छा क्या होना चाहिए था कि हमें कर लेना चाहिए था। कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को अपनाने में है, सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने में नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जाम पास करने का एक ही तरीका है ना, क्या तरीका है बोलो? पढ़ना पड़ेगा। आज वो बच्चा बैठा हुआ वहां पे, ठीक है, क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल के मन में एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सर के पोडियम तक पहुंचना है, और सोच रहा है, बस 3 दिन तक सोच रहा है। क्या पहुंच पाएगा? या उठेगा और 5 कदम गिन के चलेगा तो पहुंच जाएगा, और उसको उसके लिए 3 दिन सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर वो लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो बताइए, सोचने से होता है या करने से होता है? और ये कुछ ऐसे मोटिवेशन है जो मैं खुद को भी करता हूँ। अरे जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हूँ, ऐसे भी तुम लोग से एज में 1-2 साल छोटा ही हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा 1-2 साल बड़ा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, जो हालात आप इंस्टा देखते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप व्हाट्सएप देखते हो, मैं भी देखता हूँ, आपका टाइम खराब होता है, मेरा भी टाइम खराब होता है, आपको विश्वास नहीं होगा। देखो मैं सच बात करता हूँ, जमीनी बात करता हूँ, आपके साथ वो होता होगा। अब मैं बता रहा हूँ, बुक बनाना होता है हम लोग का एक काम, क्या होता है? बुक बनाना, ड्राफ्टिंग की बुक है सीएस प्रोफेशनल की। मैं पिछले ना 2 महीने से सोच रहा हूँ बनाऊंगा, डेली रात में बनाना है, अब बनाता कभी हुई नहीं, ठीक है। फिर मेरा एक मैनेजर, एक बहुत पहले के जमाने में एक बड़ा अच्छा मैनेजर था मेरा, वो मुझे डांटा, उस समय डांटा था जब ये 2000 कौन सिलेबस है तुम्हारा, 22 है ये तुम्हारा, 2022 सिलेबस है ना, 22 से पहले क्या था, 17। तो 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, 12 वाला 17 में चेंज हुआ था, फिर मुझे फिर से बुक बनाना पड़ा था। मैं डेली टेंशन में होता था, बुक बनाना, हे भगवान बुक बनाना, बुक बनाना। एक दिन मेरा मैनेजर बोला, आप 4 दिन छुट्टी लीजिए सर, आप पहले बुक बनाइए और उसके बाद आप वापस आइए। ये आप ऐसे बोलते बोलते 1 साल तक निकाल देंगे, और 1 साल तक आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और सारे स्टाफ को डांटते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब था? सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। और सच में मैंने 4 दिन क्लास ऑफ किया और सब बुक बना के दे दिया, टेंशन खत्म हो गया ना। तो तुम लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स जो यूट्यूब पे चला वो तुम्हें लगा करेंगे करेंगे करेंगे, और डेली माइंड में रहता है कि छूटा हुआ है छूटा हुआ है छूटा हुआ छूटा हुआ, सोच के क्या करोगे? छूटा हुआ है तो करके खत्म करो ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा पहले बताइए आप। तो ये सब कुछ जमीनी मोटिवेशन है जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा और अपने आप से बोलना पड़ेगा। मैंने बोला और कल रात में ही ड्राफ्टिंग का बुक कंप्लीट कर दिया, अब मेरा टेंशन खत्म। अब कौन से बुक पे लगूंगा? जीएसटी। अब जीएसटी के लिए मैं बोलूंगा अपने आपको, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेली जीएसटी का बुक नहीं हुआ, जीएसटी का बुक नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट कितना रहूंगा इससे, अच्छा करके खत्म ही करता हूं। समझे? तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं, सच सच बताओ, जिसका बैकलॉग अभी बचा हुआ है कुछ? तो ये बैक देखो बाप, हालात देखिए, मतलब मैं डांट नहीं रहा, प्लीज हैंड रेच की रही। आप एक बार जरा देखिए जो बच्चे कर चुके हैं, जरा देखो आप आसपास, देखो आप देख रहे हो लगभग बच्चों का बैकलॉग है। भाई ये बैकलॉग कब कंप्लीट होगा? क्योंकि हर क्लास में तो चैप्टर आगे बढ़ रहा है, नहीं? अच्छा तुम लोग के लिए बैकलॉग का कौन सा टाइम ढूंढोगे? डेली तो आगे पढ़ा के जाता हूं मैं, फेस टू फेस भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, तो ऑनलाइन को ऑनलाइन के टाइम पे करो, फेस टू फेस के टाइम पे करो, तभी ना साथ में चलोगे, क्योंकि क्लास रुकने वाली तो है नहीं। अभी मैं रोकूंगा क्या? नवंबर तक तो क्लास चलाऊंगा ना, नवंबर 10 जो भी है, तब तक तो क्लास चलेगी कोर्स कंप्लीट तक, तुम्हें मौका नहीं मिलना। और मेरा बैच खत्म होने के बाद पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है, पढ़ने का काम अभी होगा, समझे? तो ये याद रखिएगा आप। अब मेरे पे तो बड़ा प्रेशर आ रहा है भाई, मेरा तो जहां एग्जाम तुम्हारा नजदीक आता है मैं टेंशन में आ जाता हूँ, और तुम लोग कोई टेंशन ही नहीं। एक अटेम्प्ट तो आपने बोला, एक अटेम्प्ट तो मिलेगा ना, चलो अच्छा है। फ्रस्ट्रेशन फेल होने में नहीं है, फ्रस्ट्रेशन पूरा मेहनत ना करने में।
आप पूरा मेहनत करके एग्जाम देना, फेल होना ना होना अलग बात है, आप तो कम से कम अंदर से खुश रहो कि मैंने पूरा मेहनत किया। कहा सर अभी जितना आप बोल रहे हो ना सर खून गर्म हो रहा है सर, आज लग रहा है आज ही पढ़ डालेंगे सर। बाहर गया मोमोज गोलगप्पे देखते ही कहानी खत्म। चलो भाई तुम्हारे तुम लोग के लिए कुछ करता होंगे, तुम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहो। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है कि एक सीएस सीए के साथ फीस शेयर नहीं कर सकता? मतलब एक सीएस सीए के साथ सीएमए के साथ एडवोकेट के साथ फीस शेयरिंग कर सकता है कि हम दोनों मिलके क्लाइंट बनाते हैं और आधा तुम फीस ले लेना आधा हम ले लेंगे, फीस शेयरिंग चलेगा? मैं ये पूछ रहा हूं, बोलो जल्दी से। नहीं है इतना आसानी से नहीं, एक दो तीन चार पांच छह लाइन पर हो तो अब पढ़ के निकालो, कीवर्ड निकालो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग? सुनो सुनो, एक्चुअली ना यहां टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करो। अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कैन टेक यहां लिखो कैन टेक पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट। आ गया, यही हुआ ना, यही है ना। ये बचपन में होता था कि वो गलत स्टेटमेंट लिखते थे, बोलते थे इसको सही करो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और वो फॉल्स था। यही है, कैन टेक पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट, क्यों नहीं लेगा वो, छोड़ क्यों देगा भाई, लेगा। चलो आगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेगा फर्म रिजल्ट को जोड़ के फीस चार्ज कर सकता है? केस जितवाऊंगा तो 4% लूंगा। अच्छा केस जितवाऊंगा तो नेम अप्रूवल करा दूंगा तो ये फीस लूंगा। एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा अनएथिकल माना जाता है, समझे? ये हाँ ये, लेकिन होता यही है, ठीक है। जैसे एडवोकेट सब, केस जितवाऊंगा अगर आपका 1,00,000 रुपया बचाया तो 20% हमारा भाई। सबसे ज्यादा चलता है तुम्हारा टैक्स में, आपका 10,00,000 का टैक्स का नोटिस है, 10,00,000 को घटवा के 2,00,000 कर दूंगा तो 8,00,000 जो बचेगा 50% आपका, 50% हमारा, 20% 10% 20% ऐसे चल रहा है। आप छोड़िए, मैं तो ऐसा करता नहीं हूं, इनकम टैक्स रिफंड जितना कराता है उसका 20% ले लेता है। मैंने तो अपने क्लाइंट का 1,50,000 रुपया टैक्स वापस करवा दिया था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं लिया, चूंकि मेरे पापा के दोस्त थे, अपने मन से उन्होंने 3,000-4,000 रुपया दिया जी। लेकिन अब लेकिन वही कोई दूसरा सीए होता तो पहले से क्या बोला होता, 20% 30% ऐसे बात होता है। और जानते हो 20-30% में क्या होता है, फिर वो अननेसेसरी डिडक्शन ले लेता है, अननेसेसरी डिडक्शन, अननेसेसरी टैक्स इवेजन किया जाता है, जिससे कि आज न कल आपका किसी दिन रिकॉर्ड खुला ना वापस तो गए काम से आप, समझे? इसलिए मैं कभी भी ये सब काम नहीं करता। मैं बोलता हूँ आपका ITR फाइल कर रहा हूँ, जो रिफंड बनेगा वो बनेगा, मैं कैसे बोल दूँ? अगर मैं परसेंटेज में बात कर लूंगा तो मैं उसका ज़्यादा रिफंड बनवाने के चक्कर में इलीगल ITR फाइल कर दूंगा, समझे? लालच आ जाता है वहाँ। तो जनरली ये अलाउड मतलब अनएथिकल है, पर ICSI पर प्रेशर है, जितने भी CS हैं अगर ICSI रोक दे तो उसका मेंबर गुस्सा होने लगेगा। तो देखो बीच का रास्ता, आंसर देखना, ICSI का आंसर देखना, बड़ा मजा आएगा। और तो आंसर क्या है, मतलब वो कुछ लिखा ही नहीं है, ना वो हाँ में लिखा है और ना वो ना में लिखा है। वो क्या बोला बताए, मैंने पूछा क्या और आंसर क्या दिया ICSI, मैंने ICSI से पूछा कि सर रिजल्ट को दिखाते हुए क्या हम परसेंटेज की बात कर सकते हैं कि अगर आपका 1,00,000 का टैक्स रिफंड कराऊंगा तो 20% लूंगा। तो इन्होंने क्या लिखा आंसर, कि हाँ जो प्रोफेशनल काम किया उसका पैसा ले सकते हो। तो कहा आंसर क्या है, मतलब रिजल्ट से जोड़ सकते हैं कि नहीं? कहा जो प्रोफेशनल काम किया उसका ले सकते हो। तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, वो क्या बोले? अगर वो बोलते सीधा ना तो सारे के सारे CS करते यही है, तो उनका तो प्रैक्टिस गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला है, क्या निकाला है कि हाँ प्रोफेशनल वर्क का पैसा ले लो। मैंने कहा सर पूछा क्या, जवाब क्या दे रहे हो? कहा समझ लो, यही होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये लोग ब्रांच खोल सकते हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर?
मेगा फर्म क्या इंडिया के अंदर, दो क्वेश्चन है, विद इन और आउटसाइड, पहले विद इन का आंसर दो, क्या इंडिया में ब्रांच खोला जा सकता है, या इंडिया में अगर ब्रांच खोला जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, पढ़ो जल्दी पढ़ो उसका प्रोसीजर क्या है। चलो जी, तीन चीजें हैं, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया, 1 2 3 लिखो। चलो पहले वन, सबसे पहले वन में किसके बारे में बात किया है, इंडिया, याद रखना। अगर इंडिया में, जैसे मान लो मैंने फॉर्म खोला तो एक दिल्ली में है और एक मान लीजिए पटना में, तो पटना वाले ऑफिस में भी एक सीएस बैठा होना चाहिए, मतलब जैसे बोर्ड लगा दिया वहां पर बैठा दिया एक प्यून को, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, जहां भी ऑफिस होगा वहां सीएस बैठा होना चाहिए, ऐसे नाम खराब हो जाएगा ना फर्म का, नहीं समझे। दूसरा, उसके बाद दूसरा 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 दूसरा, सम अदर प्रोफेशनल के ऑफिस में नहीं खोलोगे, बहुत सारा सीएस पहले, क्योंकि पहले सीएस का उतना प्रैक्टिस नहीं चलता था, तो सीए के फर्म में अपना उसका एक चेयर बन जाता था, ये तो कमीशन वाला काम हो गया, नहीं काम हो गया, ये तो घटिया काम हो गया ना यार, नहीं होगा घटिया काम ये, ऐसा ही सीएस का ऑफिस होगा तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी और के ऑफिस के अंदर नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ये समझ गए। और तीसरा, जब भी कोई भी आपका ब्रांच ऑफिस होगा, क्या होगा ब्रांच ऑफिस, तो मेन फर्म से एक पार्टनर वहां पे कम से कम कितना दिन बिताएगा, 100 दिन का तो विजिट होना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, याद रहेगा। आउटसाइड इंडिया के लिए कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा, तो आउटसाइड इंडिया के लिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, याद रहेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया, KHATAM खत्म।